नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज सुबह से देख रहे हैं कि पूरा देश एक शॉक में आ गया है, जब से विनेश फोगाट, जो कि महिला पहलवान थी, जो कि कल सेमीफाइनल में सिल्वर मेडल जीत चुकी थी, आज उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, ये कहते हुए कि 100 ग्राम उनका एक्सेस वेट था, यानी कि वो ज्यादा वजन था, और इसके चलते जो UWW के जो रूल्स हैं, तो वो कहते हैं कि अगर 1 ग्राम भी अगर ज्यादा होता है तो आप फिर पहलवानी नहीं कर सकते उस बाउट में। यही हुआ कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, अब उनके हाथ में सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। सुबह से आज संसद में भी इसको लेकर हंगामा मचा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने क्लैरिफिकेशन दिया और अपोजिशन ने ये कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और कई लोग इसको सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हुई है विनेश फोगाट के साथ। तो आज हम समझेंगे, हमारे खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं बजरंग पुनिया, जो कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्हें ब्रॉन्ज मिला था, फ्री स्टाइल रेसलर है। बजरंग जी, आपका स्वागत है, और अजीत जी भी हमारे साथ हैं। तो आपसे समझना चाहिए कि क्या विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो उनको अयोग्य ठहराया गया है, क्या आपको लगता है ये साजिश है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश के लिए बड़ी आहत की बात है और बहुत सैड न्यूज़ है कि हमें कोई भी मेडल नहीं मिल रहा। लेकिन जो जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि भाई कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन कल का अगर जो बाउट विनेश जीती है उसमें वो पूरा 50 किलो वजन दिखा के ही जीती है, और उसका वो फाइनल तक का जो सफ़र उसने तय किया है, 3 बाउट जीत के किया है, वो आज 100 ग्राम वेट उनका रह गया, तो उसमें अगर उनको सिल्वर, बिल्कुल उनको सिल्वर देना चाहिए क्योंकि वो उसकी हकदार है। लेकिन पता नहीं किस रूल के आधार से चल रहे हैं, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है अभी तक का पेरिस ओलंपिक, कभी किसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी, और कभी किसी चीज़ को लेके। आपको कौन सा रूल लगता है, आपने कहा कि कौन सा रूल लगा दिया, तो क्या ऐसा कोई रूल लगाया है जिससे कि आपको वो रूल पता नहीं है? नहीं, देखिए, ये काम फेडरेशन का होता है, क्योंकि खिलाड़ियों का काम रेसलिंग करना होता है, और रेसलिंग के टाइम पे वो वेट कम कर रहे हैं तो वो रूल जानेंगे या वो उस अपने गेम पे फोकस करेंगे। लेकिन फेडरेशन का काम तब होता है, फेडरेशन तो पहले ही हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, तो उसका उस लेवल पे अगर कोई बात होती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो सकता है जब ये चीज़ें हो रही हैं और पूरे देश के सामने ये चीज़ें, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। हमने भी बहुत सारे ओलंपिक देखे भी हैं, मैं खुद भी खेला हूँ ओलंपिक, तो ऐसा कभी मैंने पहले कभी देखा नहीं। जो आज चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने रूल दिखाए हैं लेकिन कि भाई इंजरी की वजह से आप अगर नहीं खेल पाते तो आपको सिल्वर मिलेगा, तो अगर आप वेट, उन्होंने कोशिश की, वो एडमिट है, इससे बड़ा मेडिकल और क्या होगा, वो एडमिट है मेडिकल में, वो डिहाइड्रेशन है उनके, और वो अच्छे से बॉडी पूरी कंपन है। मेरी बात भी हुई है विनेश के लिए, जो साथ में जो स्टाफ था उससे बात हुई है, तो वो बात करने की सिचुएशन में भी नहीं है, तो इससे बड़ा मेडिकल और क्या होगा। और विनेश से बजरंग एक सवाल है, ये तस्वीर है अभी की जो ANI ने ट्वीट किया है, जब PT उषा उनसे मिलने गई हैं, ये हॉस्पिटल में है जहां विनेश हैं, और PT उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो मिलने गई है। 2 तस्वीरें अभी ANI ने ट्वीट किया है, ANI के हवाले से जानकारी मिली है। अब पहले 2-3 चीजें बैकग्राउंड समझने के लिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत शान की बात थी कि विनेश ने सिल्वर मेडल के हकदार विनेश हो चुकी थी, और उसके बाद कोई भी भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक के इस फाइनल राउंड में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी, और अगर गोल्ड मेडल आता जिसका देश इंतजार कर रहा। लेकिन चूंकि आपने एक बात कही कि आपकी विनेश फोगाट से बात भी हुई है, और आप विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, ये वो 3 प्लेयर थे जिन्होंने लगातार पिछले साल जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया 36 दिनों तक, मैं भी उसका गवाह रहा हूं, कुश्ती संघ में जो कुछ हो रहा था उत्पीड़न या ज्यादती उसके खिलाफ आपने बात की अभी, तो विनेश ने क्या कहा? हम फर्स्ट पर्सन अकाउंट समझना चाहते हैं बजरंग आपसे, क्या हुआ? जैसे ये कहा जा रहा है, जितनी कहानियां बीते 4 घंटे से आ रही है, कहा जा रहा है कि वो 49.9 kg थी पहले जब उसने
कुश्ती शुरू किया पहले खेल के पहले, लेकिन कल रात लगभग 3 किलो विनेश का वजन बढ़ा, चूंकि बीच में डाइट लेना पड़ा खेल के बाद, और उसके बाद रात भर की कोशिश होती रही, तमाम तरह के एक्सरसाइज, साइकिलिंग सब कुछ किया, जॉगिंग साइकिलिंग और यहाँ तक कि सोना बाथ लिया, सब कुछ किया, लेकिन वजन उनका 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा रहा और उसके बाद डिस्क्वालिफाई कर दिया गया ओलंपिक के नियम के मुताबिक, चूंकि 50 kg कैटेगरी में थी। अब आपसे जो बात हुई समझना चाहते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी पर भी हम आगे आते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा कर रहे हैं, आप भी कुछ शक जता रहे, लेकिन बात क्या हुई, क्या हुआ, क्या कहा विनेश ने आपको? जी बिल्कुल अजीत जी, हमें कौन लोग ज्ञान दे रहे हैं, जिनको वेट का पता ही नहीं होता, कुश्ती का पता ही नहीं, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं हमें, और हंस हंस के बता रहे हैं कि अब कुछ मैंने 2-3 सांसदों का भी बयान देखा, हंस हंस के बता रहे हैं, मैंने खेल मंत्री जी का भी बयान देखा, वो अपनी जो विनेश के ऊपर खर्च किया वो बता रहे हैं संसद में। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ये हमारे देश के लिए कि आप, आपका मेडल गया है देश का, पूरे देश को उस चीज़ की हानि हुई है, पूरा देश सदमे में है और आप उस चीज़ पे खर्च गिनवा रहे हैं। और दूसरी चीज़, खा के 5 रुपये का, 2 रुपये का, कितने रुपए का आता तंबाकू खा के, वो लोग ज्ञान दे रहे कि उनका 100 ग्राम वजन रह गया, 200 ग्राम रह गया, एक खिलाड़ी के ऊपर बीतती है, विनेश के ऊपर जो बीत रही है वो मैं भी महसूस नहीं कर सकता, मैं एक खिलाड़ी हूँ, क्योंकि उसके हाथ से सिल्वर गया है। अगर ये मान के चले कि भाई वो फाइनल नहीं खेल पाती, लेकिन सिल्वर तो उसके पास था, और वो 100 ग्राम उसकी ज़िंदगी का ये मान लो कि सबसे बुरा दिन होगा, और वो पूरी रात उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। अगर वो 50 किलो पहले दिन वो 50 किलो के साथ खेलती तो उसमें वो ताकत आती, वो एनर्जी आती कि भाई वो कुश्ती लड़ लेती। और बीजेपी की IT साल पहले भी बैठी थी उनको ट्रोल करने के लिए, हम लोगों को पहले भी ट्रोल किया गया था, ट्रायल के टाइम हो चाहे वो एशियन गेम्स के ट्रायल हो, एशियन गेम्स हो, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए थे, वो आज भी ये वही चीज लेकर बैठे, वही चीज आज भी वो वेट कर रहे थे इस चीज का कि भाई विनेश हारे और हम ट्रोल करें दोबारा से, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही ये चीजें सामने आई वो दोबारा से वही चीजें, वो अपने आप को देश भगत बताते हैं, देश का नुकसान हुआ उसके बाद वो अपने आप को देश भगत बताते हैं, हम पूरे दिन से हम कितने दुखी हैं। मैं अभी सुबह से अब आपके साथ बैठा हूँ, पहला इंटरव्यू मेरा आपके साथ है, हम खुद बोल रहे कि हालात में नहीं थे कि भैया हम क्या बोले इस चीज़ पे, क्योंकि एक खिलाड़ी है वो और उसके लिए जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम रो के या इमोशनल होके बयां कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ विनेश के ऊपर बीती है वो सिर्फ विनेश ही महसूस कर सकती है, ना कि कोई भी इंसान उसको महसूस कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, विनेश की वो तस्वीर जब अभी मैंने कुछ मिनट पहले देखी ANI के ट्वीट पर, 50 मिनट पहले, थोड़ी मुस्कुराती हुई जाहिर है, जब PT उषा मिलने गई तो हम लोगों को थोड़ा सुकून हुआ, हम सबको बेचैनी थी उस तस्वीर को देखने के बाद जब विनेश कहीं जमीन पर बैठी है रेलिंग के पास और चेहरे पर हताशा, और वो उस हताशा की कल्पना हम कर सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस विनेश पर क्या गुजरी होगी जो सिल्वर मेडल जीत चुकी थी, और जिस तरह से खेला उसने, जिस तरह से उस जापानी पहलवान को हराया जिसने 18 साल में एक भी मैच नहीं हारा था, जो 82 मैच जीती, 4 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही, तो लगा कि गोल्ड मेडल तो आने वाला। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो वाजिब है कि बहुत सारे लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि विदेश नहीं जीती, क्योंकि वो कौन से लोग, किस जमात के लोग हैं वो पता है, लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने पूछा उसको समझना चाहते हैं, चूंकि आप लोग खिलाड़ी हैं, आप बारीकी को समझते हैं कि ये कैसे हुआ होगा कि अगर 2.5 किलो 3 किलो बढ़ गया तो विनेश के साथ जो उनके फिजियो होंगे, उनके कोच हैं, उनके खाने का पूरा मैनेजमेंट देखने वाले लोग होंगे उनके साथ, क्या उनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी में कहीं गड़बड़ी हुई, या क्या ऐसा हुआ, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, ये सब जानना चाहता है, हम लोगों के अंदर ये सवाल है। अजीत जी, जब हम वेट कम करते हैं, मैंने पहले भी बताया, सुबह मैंने इंट्रो दिया था कि 1-1 ग्राम के लिए हम संघर्ष करते हैं और बॉडी में स्वेटिंग आना बंद हो जाता है, जैसे अब विनेश का डिहाइड्रेशन हुआ, बॉडी में स्वेटिंग, 1 घंटा उन्होंने सुबह रनिंग करी, पसीना आना बंद हो गया, उसके बाद सोना बात में गई है, उसके बाद वो सुबह बात हुई 2.5-3 घंटे में वो 700 ग्राम से वो 100 ग्राम पे आ गया, वो बहुत मुश्किल समय होता है खिलाड़ी के लिए,
क्योंकि आप वो विनेश 6 महीने से, पिछले 6 महीने से 50 किलो की तैयारी कर रही है कि मुझे ओलंपिक खेलना है, क्योंकि वो पहले 53 में खेलती थी। 53 में खेलना 3 किलो का डिफरेंस होगा, 3 किलो वो पहले 48 में खेलती थी, एशियन गेम्स 2018 में वो 50 किलो में खेल रही थी, उसके बाद वो 53 किलो में शिफ्ट होगी, उसके बाद पहली बार वो 50 किलो में खेल रही थी। और एक लड़की के लिए और एक लड़के के वजन कम करने में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जब लड़का ट्रेनिंग करता है उसको स्वेटिंग ज़्यादा होती है लड़की के कंपेयर में, तो वो स्वेटिंग जितनी भी ज़्यादा होगी उतना वेट आपका लॉस होता चला जाएगा। और क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मैंने वेट कम किया है, हम एक एक घूंट पानी के लिए तरसते हैं उस टाइम पे। बोलते हैं ना कि भाई मैं माता के नवरात्रे करते हैं या फास्ट करते हैं, तो उस टाइम पे लोग एक एक मतलब ये होता है दिन में कि भाई एक दिन मैं कैसे भूखा रहूँ, कैसे उसमें पानी तो पी सकते हैं। इसमें वेट कम करते टाइम हम एक घूंट पानी के लिए भी देखते हैं कि भाई हम पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भाई उनको वेट कम नहीं हुआ उनका। विनेश ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, वो हॉस्पिटल में भर्ती होगी उस चीज़ के लिए कि भाई वेट नहीं आया, और उसके बाद वो डिहाइड्रेट होगी, उनको चक्कर आने लगे, बॉडी में कंपन होगी, तो वो भजन चीज़ें एक चीज समझाइए, माफ करे भजन फिर रोक रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग बहुत क्यूरोसिटी हम सब में है, जिज्ञासा, हर आदमी माथा पच्ची अपने हिसाब से कर रहा है, और ये आप सही करें, जिसको कुछ नहीं पता वो भी एक्सपर्ट आज बना हुआ है वेट लॉस का, वेट गेन का। एक चीज बताइए कि अगर उनका वेट कल गेम से पहले 49.9 kg था, मतलब 50 किलो से 100 ग्राम कम, तो क्या ऐसा होता है कि चूंकि 3 बार आप खेले हैं तो आपको कुछ ऐसा खाना दिया जाता है, देना जरूरी है, बॉडी की डिमांड हो, कार्ब हो, प्रोटीन हो जी या कुछ भी बिल्कुल, हो, मैंने मैंने तो वही ढाई तीन किलो गेन हो जाए, या मैंने इसमें वही कुछ चीज गड़बड़ी बताई हुई, थी। इस मैनेजमेंट जो समझना चाह रहा हूं मैं। नहीं, मैं वही चीज मैं आपको बता रहा था, मैंने बताया भी था कि अगर मैं 65 में खेलता हूँ, अगर मैं अभी वेट मैंने दिखाया, 2 घंटे बाद हमारी बाउट होती है, उसमें के बीच में भी हम खाते हैं, उसके पहले भी, जब बाउट से पहले भी, वेट देने के बाद हम पानी भी पीते हैं। अगर मैं पैसे, ये अकेले हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के एथलीट के लिए होता है, अगर मैं भूखे पेट, क्योंकि मैं 2 दिन से 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो ऐसे कैसे अगर मैं मैट पे जाऊँगा तो 6 मिनट में खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो इतनी ताकत ही नहीं बची है। उस टाइम पे सभी खिलाड़ी खाते हैं, ना कि सिर्फ एक बजरंग खाता है, एक विनेश खाती है। और वो मतलब अगले दिन जब विनेश ने 3 कुश्तियाँ लड़ी हैं, 3 कुश्तियाँ, वो भी तीनों कुश्तियाँ टफ कुश्तियाँ थी, वो 2 किलो 2.5 किलो जो भी वजन उनका बढ़ा है, अगर वो रिकवरी नहीं करती तो वो कुश्ती कैसे लड़ पाती। तो उनको वेट दिखा के मेडल थोड़ी ना जीतना था कि भाई वेट दिखाते ही वो मेडल जीत गई। और वो हर खिलाड़ी के लिए होता है, कई बार बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पहले भी हुआ है कि उनका वेट नहीं आया है, लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि भाई मेडल नहीं मिल रहा कुछ। जो आपका डर है और जो सब लोग कह रहे हैं कि अगर ये साजिश हुई है, तो ये साजिश या षड्यंत्र जो भी कहे, ये कैसे हो सकती है? क्या उनको कुछ पानी में मिला के दिया गया होगा, या फिर नहीं मतलब नहीं किस, नहीं सुनिए नहीं हम एक मिनट, उस मेरी कुछ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि भाई इसमें षड्यंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि UWW के रूल्स बहुत क्लियर है कि अगर 1 ग्राम भी वेट आपका ज्यादा होगा, मैं फाइनल राउंड की बात कर रही हूँ, सिल्वर सेमीफाइनल्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनका ये कहना है कि अगर 1 ग्राम भी ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं और फिर आपको उस इवेंट से बाहर होना पड़ता है। तो षड्यंत्र अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, तो किस लेवल पे हुआ हो सकता है, आप मैं बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ, वेट कैटेगरी में या कुछ खिलाड़ी में, उसमें हम कोई षड्यंत्र नहीं बता रहे। वो नहीं आना, वो स्वेटिंग बंद हो जाना, डिहाइड्रेट होना, वो मतलब खिलाड़ी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है जब वेट लॉस करते टाइम, क्योंकि बॉक्सर वो वेट कम करते हैं, रेसलिंग में वेट कम करते हैं, जो जिस जो खिलाड़ी वेट कम करता है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है। लेकिन जो सिल्वर मेडल ना देना, हम उसके लिए बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे अगर देश विनेश के साथ खड़ा होगा, अगर सरकार से विनेश का सपोर्ट करेगी, तो कुछ भी हो सकता है। इसी ओलंपिक में एक और खिलाड़ी का हम अभी पढ़ रहे थे, उसको सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने उनके साथ बात करके उसको दोबारा से केनिया मानते, केनिया की एथलीट थी उनके, जब केनिया पूरा देश उनके साथ खड़ा हो सकता, तो हमारे देश में तो यहाँ पे राजनीति करके हंसी उड़ा रहे हैं विनेश की। हम उस चीज के लिए बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा साजिश है, क्योंकि वो देश का मेडल है, पूरे
वो विदेश का मेडल नहीं, वो देश का मेडल है। हाँ चलो, एक स्पेसिफिक नीलू मैं थोड़ा कैटेगरी अलग करें, कैटेगराइजेशन करें सवाल का, क्योंकि ये जो जैसे एक चीज विदेश ने, सॉरी बजरंग ने स्पेसिफिक कहा कि वेट गेन जो किया ये मैच के खेल के बाद 2 किलो 2.5 किलो या 3 किलो जो भी है, उस गेन करने में उनके खाने में उनके इनटेक में कोई मिसमैनेजमेंट या कॉन्स्पिरेसी नहीं देखते हैं बजरंग? मैं सही कर रहा हूँ सवाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पेसिफिक हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, आप वहां कुछ नहीं देखते, मतलब कोच डाइटिशियन या उनके साथ जो फिजियो थे वहां आप मानते हैं उनके लेवल पर कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आता है, अब आते हैं सवाल का दूसरा पार्ट। अब सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि आपको ये लग रहा है कि उसके बाद वेट गेन किया जब सेमीफाइनल का मैच हो गया, तो सेमीफाइनल के लिए उनको सिल्वर कम से कम मिलना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ तीसरा है कि ओलंपिक के जो रूल्स हैं, जो बहुत सारे लोग उस रूल के बारे में बात कर रहे हैं जो 2013 का रूल है, उसके मुताबिक मैच के दौरान आपका वेट अगर बढ़ता है तो आप डिस्क्वालिफाई होते हैं, इसको कैसे उसमें एक रूल में अजीत जी ये भी लिख रहा था, अगर आप इंजर्ड है, आप मेडिकली अनफिट है, तो आपको वो मेडल मिल सकता है, उसमें रूल में ये भी लिख रखा है, तो वो मेडल आपको मिल सकता है। तो फिर विनेश तो मेडिकल में एडमिट थे, और केनिया के खिलाड़ी को जब सस्पेंड करने के बाद उनको दोबारा से वो सिल्वर मेडल मिल सकता है, तो हमारे देश में ये मेडल क्यों नहीं मिल सकता? तो अब इसका भी एक काउंटर है बजरंग, मेडिकली अनफिट होना अगर वो वेट किए जाने से पहले होती कि मेडिकली अनफिट है और उसके बाद वो अगर वापस उस गेम से बाहर हो जाती, वो स्थिति इसमें उनका वेट हो गया उसके बाद वो, जी अजीत जी वो वेट कम करते टाइम ही हुआ है वो सारी चीजें। ओके, वो वेट कम कर रही थी उसी टाइम में सारी चीजें हुई हैं। नहीं जैसे कि खबर आई थी ना कि उनको डिहाइड्रेशन हो गया, फिर उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, ये सारी खबरें आई थी आज सुबह। मैम वजन, मैम वही मैं बोल रहा हूँ, वो वजन करते टाइम ही तो हुआ है ना वो सारी चीजें, बेड पे बैठे तो हुआ नहीं वो चीजें। आप ये हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है इसलिए उनको सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, सिल्वर के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले पहले दिन 3 कुश्तियां जीती हैं और 3 कुश्तियां जीत के ही वो यहाँ तक पहुंची है, और पहले दिन उन्होंने वजन दिखाया है पूरा, तो इस चीज के लिए सरकार ने और आईओ ने ये चीजें ओलंपिक कमेटी से बात करनी चाहिए। नहीं तो अपील तो अच्छा बजरंग ये बताइए कि भाई ओलंपिक कमेटी है, ओलंपिक गेम्स के कुछ रूल्स हैं, वो कमेटी और वो जो जो मैनेजमेंट है वो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली फैसला करेगा, इसमें आप कोई कंस्पिरेसी कि वो सेमीफाइनल के लिए उन्हें सिल्वर नहीं मिला या भारत सरकार ने नहीं बात की, ये क्यों देख रहे हैं आप, इसकी वजह क्या है, ये जरा समझाइए, क्यों शक सुबह है नियत पर? अजीत जी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, इस ओलंपिक में हुआ है डिस्क्वालीफाई होने के बाद हमें केन्या के खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला है, हमारा काम कोशिश करना है, विनेश कोई भगवान तो है नहीं कि उनका वजन वो जादू से कम कर देती भाई। लेकिन एक बात और भी है अब बजरंग, आज जब पीटी उषा का जो ट्वीट आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप अपील करिए जाके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, जो भी हो सकता है वो करिए, ये तो उन्होंने कहा था, उनके ट्वीट में भी मैंने देखा था, तो क्या केवल अपील से बात नहीं बनती? अगर अपील किया है भारत की सरकार ने आईओ रेसलिंग एसोसिएशन को, तो क्या उससे खाली बात बनेगी? नहीं देखिए वो तो बात आपको बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा मेडल है, देश का मेडल है वो, और देश का अधिकार है उस मेडल पे, तो वो चीजें बिल्कुल बार बार उनके साथ बात करनी चाहिए कि भाई ये इसका देश का अधिकार है, जैसे ओलंपिक क्वालिफिकेशन जाते मेडल कोटा जीत के आते तो वो देश का कोटा होता है, ऐसे ही जब देश का मेडल है वो, तो उस मेडल के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से हो, आईओ की तरफ से हो, क्योंकि अगर इसी ओलंपिक में हुआ है जी वो चीजें मैंने बताया, 2-3 बार बता लिया कि केन्या की खिलाड़ी सस्पेंड होने के बाद वो दोबारा से वो मेडल मिला है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ओलंपिक चैंपियन जॉर्डन बरोस है, यूएसए के रेसलर हैं, 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, उनका भी यही चीज उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि
विनेश डिजर्व करते हैं कि उनको सिल्वर मेडल मिले। वो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे देश के जिनको पता ही नहीं रेसलिंग क्या है, वेट कम कैसे करना है, ओलंपिक मेडल क्या होता है, वो इस चीज पे ज्ञान दे रहे बैठ के। लेकिन ये बताइए, जैसे नीलू ने भी अभी पूछा, वह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, शुभकामना दी, खेल मंत्री ने कहा कि हमने कहा है ओलंपिक एसोसिएशन से बात करने को, पीटी उषा की जिम्मेदारी दी गई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को, तो फिर कहाँ आपको कसर रह गई? देखिए अभी क्या इसको किया जा सकता था? मैं अगर इसको सीधे कहूं तो क्या किया जा सकता था जिससे आपको लगता है सिल्वर मिल जाता और वो नहीं किया गया या वो कसर छोड़ दी? देखिए वो तो वही लोग बता सकते हैं कि उन्होंने कहा तक संभव प्रयास किया, पीटी उषा जी बता सकते हैं ये बेहतर, और वो भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वही इस चीज को बता सकते हैं भाई हमने कहा तक प्रयास किया, क्यों हम इसमें सफल नहीं हो पाए, क्या रीजन था। तो वो ये चीजें मुझे लगता है पीटी उषा जी मैम अच्छे से बता पाएंगी। तो आपको 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 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या सरकार की मंशा पर संदेह है कि कोशिश नहीं की गई? क्या कहना चाह रहे हैं आप? ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि भाई प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज में जाएं पेरिस में और वो मेडल दिला के लेके आए, लेकिन वो अपनी तरफ से उन्होंने बोला है। तो जो आयोग की कमेटी है और जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो मेडल, आप जब केनिया देश अपने देश में वापस मेडल लेके जा सकता है सस्पेंड होने के बाद, तो हम क्यों नहीं लेके आ सकते उस मेडल पे? आप विनेश 3 बाउट जीती है, उस पर विनेश का अधिकार नहीं है, उस पर देश का अधिकार नहीं है कि भाई हमने उस पहले दिन हमने पूरा वेट दिखा गया, आप बोले 49 किलो 900 ग्राम हमने वेट दिखाया, उसके बाद हमने 3 बाउट जीती हैं। बजरंग, लेकिन अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप सुबह से देखें, मैं फॉलो कर रही थी, एनआई का ट्वीट आया, उसके बाद आयोग की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, वो खुद एक स्टेटमेंट रिलीज करती है ये कहते हुए कि वो डिस्क्वालिफाई हो गई है। आपको नहीं लगता कि पीटी उषा को इसके पहले कि वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देती, वो कम से कम कुछ छानबीन करती उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट देती? उन्होंने अचानक से एकदम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि भाई वो डिस्क्वालिफाई हो गई है, लेकिन क्या उन्होंने अपील की, क्या उन लोगों से यूडब्ल्यूडब्ल्यू वालों से बात की, ये तो क्लियर नहीं है, और लोग उसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि भाई पीटी उषा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों दे दिया इतनी जल्दी? वही चीज है, 1 घंटे 2 घंटे में आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, 1 घंटे में आप किससे मिलोगे? 1 घंटे में मैं अगर आपसे मिलना चाहूँ, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, तो मैं आपसे भी नहीं मिल पाऊंगा। तो आप पहले सब लोगों से बात करिए, उसके बाद पूरा दिन आपके पास ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए, आप देश को बताइए कि भाई हमने पूरी अपना संभव प्रयास किया। आप स्टेटमेंट आपने दे दी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? फिर तो लोग यही बोले कि भाई हमारे पास भी न्यूज़ आ गया कि स्टेटमेंट आ गया है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी जल्दी आपने स्टेटमेंट भी दे दिया, तो वही चीज़ है कि भाई सस्पेंड हुआ, मैं बिल्कुल उस चीज़ से एग्री हूँ, और रूल है जो कि भाई मेडल नहीं मिलेगा उस चीज़ से भी मैं एग्री हूँ, लेकिन सिर्फ वो इंडिया के खिलाड़ी के लिए ही है क्या? वो इस ओलंपिक में हुआ है या नहीं हुआ, मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रहा हूँ, केनिया के खिलाड़ी को मेडल मिला या नहीं मिला? मिला, मिला। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि विनेश को सस्पेंड किया, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें मेडल क्यों नहीं मिल सकता? यानी कि आपकी शिकायत है, हमने गोल्ड गोल्ड तो नहीं मांगा हमने, हाँ कि हम बिना लड़े गोल्ड तो नहीं मांग रहे, हम जो लड़के जो हमारा सिल्वर मेडल पे अधिकार हम वही तो मांग रहे हैं। यानी कि आप बजरंग, सॉरी सॉरी साहब, वहां से पूछे पूछे बजरंग, एक बताइए एक चीज कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपोजिशन के खास तौर से लगातार इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या कांग्रेस के कुछ लीडर हो या अलग अलग पार्टियों के विपक्ष के नेता लगातार इसमें कुछ साजिश देख रहे हैं। आपने कहा कि वो साजिश आपको नहीं दिखती है कि उनका वजन बढ़ा, उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सही कह रहा हूं? ताकि ये हो कि मेरे शब्द मैंने आपको क्लियर की है वो चीज की वेट में वो ना आना, वो खिलाड़ी का स्वेटिंग बंद हो जाना, वो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ पहले भी हुआ है, हम उस चीज़ पे नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमने मेडल के लिए बाउट जीती है वो मेडल हमें मिलना चाहिए, उसके पीछे मुझे बहुत कुछ लग रहा है कि भाई उस पर हम कोशिश कर सकते हैं, वो मेडल हम ले सकते हैं।
वो आपकी बात समझ गया कि आपको लगता है कि जिस मजबूती से भारत सरकार को, खेल मंत्रालय को, ओलंपिक कमेटी के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी वो नहीं रखा गया, या आपका कहना है? अब मैं वापस उस पर लौटता हूं, चूंकि वो हम सब लोग समझने की कोशिश करते हुए, और बहुत सारे लोग अज्ञानता में भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग जानकार नहीं, इसलिए हमें लगा आपसे कि कोई चूक मानते हैं क्या, कि कहीं से कोई चूक हुई कि इतना वेट गेन हुआ, ये इसको अवॉइड किया जा सकता था या इसको कंट्रोल किया जा सकता था क्या? विनेश जी ने, अजीत जी, इतना कुछ नहीं खाया कि लोग उस चीज को इशू बना रहे कि भाई वो इतना तो खाना पड़ेगा कि आप कुश्ती लड़ सकते हैं। उसको भी पता था कि वो अगले दिन भी उसको वेट दिखाना है, अगले दिन भी उसको फाइनल बाउट लड़नी है, या रिपेचेज में जाती तो रिपेचेज बाउट लड़नी है। एकदम से अगर मैं 10 किलो वजन, 5 किलो वजन घटा रहा हूँ तो मेरा एकदम से 5 किलो वापिस नहीं बढ़ेगा, मेरा 2 किलो बढ़ जाएगा, मैक्सिमम 2.5 किलो बढ़ जाएगा, कि वो एकदम से नहीं बढ़ पा। वो जब हम रेसलिंग करते तो वो दोबारा से लूज हो जाता है, क्योंकि रेसलिंग में मेंटली भी आदमी थकता है, और वो स्वेटिंग भी होता है, वार्म अप भी करते हैं उसके बाद रेसलिंग भी करते हैं, तो उसमें स्वेटिंग होती है, तो उसमें वो दोबारा से डाउन हो जाता है वेट। तो वो 1.5-2 किलो बढ़ना हर खिलाड़ी का बढ़ता है वो। अब एक सवाल है कि आपने शुरू जिससे किया, हेमा मालिनी का एक बयान वायरल हो रहा है जिस ढंग से तंज एक तरह से है उसमें, सच मतलब हकीकत बयां कर रही है, लेकिन उसमें एक तंज भी है। बहुत सारे ट्विटर पर बहुत सारे लोग खुश हैं कि जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई कि विनेश फाइनल में नहीं पहुंच पाई और सिल्वर भी नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो सिल्वर और गोल्ड लेके आ गई तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जमात, लाखों ऐसे लोग होंगे, ट्रोल आर्मी के लोग, किसी सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग, जिन्होंने विनेश को खारिज कर दिया था पिछले साल ही मई महीने में, क्योंकि आप सब लोग आंदोलन कर रहे थे। वो उनमें से बहुत बड़ी जमात होगी जिसमें मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, एक न्यूज 18 की एक एंकर भी उस तरह की बातें कर रही थी जिसपे न्यूज 18 ने माफी भी मांगी, और वो मीडिया के तमाम लोग जिसमें जो पीछे पिछले साल आप लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई, उनमें खुशी होगी और वो रिफ्लेक्ट हो रही है बहुत सारे लोगों में। ये सब देखकर आप लोगों पर क्या गुजर रही है, और ये विनेश को भी पता चल रहा होगा, ये एक अलग लेवल का ट्रॉमा है। जी बिल्कुल, बड़ा दुख होता है कि देश का मीडिया है, देश के जो बड़े बड़े संसद में जो लोग बिठा रखे हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं, और वो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। तो विनेश हमारे लिए मेडल, विनेश ने तभी जीत लिया जब वो ओलंपिक पोडियम पे, वो मैट पे गई थी, क्योंकि इतने 2 महीने 2 साल से जो मानसिक पीड़ा से जो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे, क्या क्या बोला जा रहा है, उसके बाद वो मैट पे खड़ी है, वो देश के लिए, जो हमारे सपोर्टर थे उनके लिए मेडल से कम नहीं है। अगर और उन्होंने तो चलो वो चीज़ मेडल देना ना देना वो ओलंपिक कमेटी की बात है, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि हम अपने देश की बेटियों के लिए लड़ सकते तो अपने खुद के लिए भी लड़ सकते हैं, और वो उन्होंने वो हमारे लिए वो गोल्ड जीत के आई है, पूरे देश के बिल्कुल लिए वो गोल्ड ही जीत के आई है। तो ये बहुत कम लोग हैं जो खुश हो रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में से 500-700 लोग हमारे खिलाफ हैं, तो ये कोई बड़ी तादाद नहीं है। लेकिन बजरंग एक चीज और भी है, कल जब सेमीफाइनल जीती थी विनेश, प्रधानमंत्री का ट्वीट या कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज तब नहीं आया, लेकिन आज जब वो जैसे ही डिसक्वालिफाई की, पीटी उषा का स्टेटमेंट आता है और उसके 10 या 15 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आ जाता है कि यू आर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ट्वीट कॉन्ग्रेचुलेटरी या सांत्वना देने वाला ट्वीट नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये बात तो मुझे लगता है कि आप उन्हीं से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि इस पे तो मैं क्या बताऊँ, उन्होंने कब कैसे ट्वीट किया है, कब उनका उनको समय नहीं मिला या उन्होंने किया नहीं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि भाई कब बधाई संदेश जाएगा, लेकिन बहुत लेट गया है। और आप उनसे बात करिए और मीडिया के माध्यम से पूछिए कि भाई ये सभी चीज़ें किस तरीके से क्या चल रहा है। चलिए अब उसके बारे में हम लोग अपना ऑब्जर्वेशन, मैं तो कम से कम नहीं दूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से और बाकियों को भी शायद अभी बधाई दी नहीं दी, ये भी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ आज उन्होंने जो कहा उसका एक पक्ष ये भी है कि उन्होंने कहा कि विनेश तुम चैंपियन हो,
चैंपियन होकर लौटो और एक तरह से हौसला अफजाई की। लेकिन प्रधानमंत्री के मन सवाल बीते साल जरूर उठे थे जब 36 दिन तक आप लोगों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और जिस ढंग से आप लोगों को वहां से घसीट कर 28 मई 2023 को हटाया गया। लेकिन फिलहाल बजरंग शुभकामनाएं के लिए आप सब के लिए, और एक हताशा का दिन है, दुखी मन हम सबका है क्योंकि हम सब लोग इस उम्मीद में थे कि आज आधी रात को जश्न मनेगा। बल्कि मैं आज सुबह बात करके चरखी दादरी जाने की दोपहर में तैयारी कर रहा था विनेश के गांव में कि आज हम लोग उस गांव में रहेंगे और रात में जब मैच हो रहा होगा और कल जश्न का दिन होगा, क्योंकि गोल्डन अगर नहीं भी गोल्ड आया तो भी सिल्वर तो हमारे खाते में था। लेकिन चलिए कई बार कुछ चीजें हम सबके नियंत्रण में नहीं होती। नीलू खत्म करें, आपका कोई और सवाल है? जी बस एक सवाल मेरा और था, एक बस चीज छोटी सी कि जो विनेश के ससुर ने एक बात कही थी कि भाई इतने सारे लोग उनके साथ थे, चाहते तो उनके, हालांकि उन्होंने बाल कटवाए थे, उन्होंने कहा कि बाल अगर कट जाता तो भी 100 ग्राम कुछ ऐसा वेट नहीं था। तो क्या आपको लगता है ये चूक थी, ये विनेश के ससुर ने ये बात पॉइंट आउट की? लेकिन एक मैं ऐड करूं, उसमें जो वहां से एक डॉक्टर है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आया कि हेयर कटिंग रात में हुई है और जो तस्वीर दिख रही है जो पीटी उषा के साथ है उनके हेयर ट्रिमिंग दिख रही है उसमें, तो उसपे तो क्या है, ये देखो वो हमारी फैमिली के बड़े हैं और उनको ये लगता है कि भाई उस समय जो संभव प्रयास हम कर सकते वो करने चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नीलू, बहुत शुक्रिया।